नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, आज कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। 7-8 वीडियो मैं इसमें डालूंगा। आप सब लोगों को ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अपना चैनल विदेश से रिलेटेड लोगों से इंक्वायरी से रिलेटेड होता है, तो ये इंक्वायरी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनियां वहां आपके साथ क्या चीटिंग करती हैं, क्या छलकपट आपके साथ होता है, आप लोगों को पता ही नहीं लगता। यहाँ पे आप 1-2 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, 2 साल का अग्रीमेंट लेके जाते हैं, पता लगा 6 महीने बाद कंपनी ने घर भेज दिया, 3 महीने बाद कंपनी ने घर भेज दिया, 6 महीने काम करवा लिया, कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी। इसके क्या रीजन हो सकते हैं, आपको किस तरह से इन चीजों से बचना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें आपके माइंड में पहले से होनी जरूरी है। तो फर्स्ट में शुरुआत साथियों करते हैं कि आज गल्फ में मान लीजिए या कोई भी कंट्री में अगर आप जाते हैं कमाने के लिए, मोटा कर्जा लेके जाना पड़ता है। पैसा किसी के पास नहीं होता। अगर पैसा होता तो भैया लोग कमेंट करते, इतना पैसा होता तो हम यही कर लेते, भैया अच्छी बात है ना, पैसा नहीं है तभी तो जा रहे हो ना कमाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, 2 साल आप आस लेके जाते हो कि 2 साल में आप इतना कमा लोगे, इतना कर्ज उतर जाएगा वगैरह वगैरह सोच के जाते हो, लेकिन वहां जाते ही आपके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि कंपनियां चीटिंग भी कर लेती हैं। हालांकि ऐसा बहुत होता भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है, कई बार ओरिजिनल टीम में भी होता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप साथ क्या कर सकते हैं, आज अपन बात करेंगे कंपनी द्वारा समय पे सैलरी आपको नहीं देना। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है सर, ये उनकी ये उसके क्वेश्चन होते हैं, सर कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है। हमारे इधर गल्फ में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है, 6 महीने से कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, 8 महीने से कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, खाने के पैसे देती है, काम करवाती है, पैसा नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं दे रही है, या घर भी नहीं भेज रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। कंपनी आपको तनख्वाह नहीं देती है, अगर आप कंपनी से सैलरी मांगते हो तो वहां के सिस्टम जिम्मेदार अधिकारी या कंपनी द्वारा आपको क्या बहाने बनाए जा सकते हैं, मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। जी हाँ साथियों, मान लीजिए कंपनी का प्रोजेक्ट 5 साल का, 2 साल का है, वहां पे हजारों वर्कर काम कर रहे हैं या कंपनी के काम में थोड़ी डिले चल रही है, तो वो कंपनी फिर आप लोगों की तनख्वाह रोक लेती है। ये होता है, जो गलत में है उनको पता है, 6 महीने से तनख्वाह पेंडिंग पड़ी, 8 महीने से पड़ी, 8 महीने होते हैं तब 2 महीने की देती है, 6 महीने रोक लेती है, तो उसके पास बहाना ही होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए हमें आगे से पेमेंट नहीं मिला, ठीक है, कंपनी घाटे में चली गई। ये उनका दूसरा पॉइंट हो सकता है, कंपनी घाटे में चली गई, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी को आगे से भुगतान नहीं हुआ, समझ रहे हो बात को, कंपनी को आगे से पैसा नहीं मिला तो वर्करों को पैसा कहां से चुकाएगी, ठीक है। कंपनी ने समय पे जो अग्रीमेंट किया था वो समय पे पूरा नहीं किया, इसलिए उसका भुगतान रोक लिया गया, ठीक है। दूसरा आगे पॉइंट ये हो सकता है, वर्करों द्वारा हड़ताल कर दी गई, इस वजह से कंपनी के पास पैसा नहीं आया, समय पे टाइम पे काम नहीं हुआ, वगैरह वगैरह इतनी सारे बहाने उनके पास होते हैं। और आप लोग क्या होते हैं, बेचारे वर्कर क्या होते हैं, 6 महीने काम किया, फिर आपको पता है लगता है यार कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है, तो वो फिर कंपनी से पासपोर्ट लिया, टिकट हो सकता है टिकट कंपनी दे दे और वो बंदा घर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी में 20,000 वर्कर काम कर रहे हैं, 6 महीने कंपनी ने पगार रोक ली, 10,000 इंडिया घर आ जाएंगे लोग, क्योंकि अगर उनको पैसा नहीं मिल रहा तो उनके घर में क्या करेंगे, वो बीवी बच्चे परिवार वाले क्या खाएंगे, तो उनको लगता है इससे बढ़िया कि यहाँ फोकट में आड़ तुड़वा रहे हैं, इससे बढ़िया घर चलते हैं, तो वो बंदे क्या करते हैं, 20,000 में से 10,000 बंदे निकल गए। अब एग्जाम्पल सोचो, 10,000 आदमी, एक आदमी अगर 30,000 महीने का कमा रहा है, 6 × 10,000 लोगों का कितना पैसा बनता है, वो कंपनी पूरा का पूरा खा जाती है। ऐसा आम लोगों के साथ होता है। अगर इनके उपाय, मैं आगे दोबारा जो वीडियो डालूंगा सर्चिंग करूंगा कि इनके उपाय क्या हो सकते हैं, मैं आपको दोबारा से जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उनमें भैया बताऊंगा, अभी तो आप इन चीजों का थोड़ा सतर्क रहें। कंपनी में अगर आपको लगता है टाइम पे तनख्वाह नहीं दे रही है तो आप एक्शन ले सकते हैं, कंपनी में शिकायत करें, इंडियन एम्बेसी में शिकायत करें, आप हड़ताल वगैरह करके अपना कोटा पूरा करने की कोशिश करें। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी टॉपिक पे 6-7 वीडियो और बनाऊंगा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि जैसे वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।